नमस्कार दोस्तों, OCN नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे नई पार्लियामेंट के विशेष सत्र की। पहला दिन पुरानी संसद में और शेष चार दिन नई संसद में। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि इसका एजेंडा क्या है, कम से कम ये तो बताइए। सरकार का कहना था कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी सरकार के समय नहीं हुआ, किसी भी संसद सत्र में नहीं हुआ कि सरकार ने पहले एजेंडा घोषित किया हो। या जिस तरीके से विपक्ष कह रहा था कि साहब हमें विश्वास में नहीं लिया गया, सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी भी लिख मारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उस पर भी सरकार का जवाब आ गया था। लेकिन अब जबकि विशेष सत्र में केवल चार दिन का समय है, तो बीती शाम सरकार की तरफ से, यानी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने बता दिया कि भाई एजेंडा क्या है। उनका जो कहना है उसके हिसाब से जो पुरानी संसद है उसमें पहले दिन संविधान सभा से अब तक की जो हमारी संसदीय यात्रा है उस यात्रा के बारे में चर्चा होगी, जो अब तक की उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा होगी, जो अनुभव हैं उन पर भी चर्चा होगी, जो यादें हैं जाहिर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, पार्लियामेंट की, उनकी यादें भी सामने आएंगी और अब तक सीख क्या ली है इस पर भी चर्चा होगी। और अगले दिन 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नई पार्लियामेंट में पुरानी पार्लियामेंट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले जाएंगे और फिर वहां पर चार बिलों के बारे में सरकार ने जानकारी दी है, जिनमें से दो बिल ऑलरेडी मानसून सत्र में राज्यसभा से पारित हो चुके हैं, दो नए बिल राज्यसभा में पेश होंगे, पारित होंगे, चर्चा होगी, और जो राज्यसभा में पारित हो गए थे उनको लोकसभा के लिए भेजा जाएगा। एक तो ऑलरेडी भेज दिया गया था 4 अगस्त को, मणिपुर पर हंगामे की वजह से वो पास नहीं हो पाया था। तो चार बिल रखने की बात सरकार ने कही है, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ये पच नहीं रहा है। उनका कहना है कि कुछ तो हिडन है, कुछ तो अभी छिपा हुआ है जो सरकार अचानक पेश करेगी, अंतिम समय में पेश करेगी। अब वो क्या हो सकता है, सब अटकलें लगा रहे हैं। अब तक जितनी अटकलें लगी हैं वो तो सरकार ने एक तरीके से खारिज कर दी, उन पर तो पानी फिर गया। तो सीधे जुड़ते हैं जाने माने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विश्लेषक और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता विजय सरदाना साहब से। विजय जी के साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। तो विजय जी, मोटे तौर पर तो संसदीय कार्य मंत्री ने बता दिया है कि एजेंडा क्या है, और अगर हम उन पर भरोसा करें कि संविधान सभा से लेकर के अब तक की जो संसदीय यात्रा है उस पर चर्चा होगी, उसकी जो उपलब्धियां हैं, अनुभव हैं, यादें हैं और सीख है उन पर चर्चा होने वाली है, तो ये तो बहुत विस्तृत कैनवाज हो गया। इसमें तो बहुत सारी बातें आएंगी और मुझे लगता है कि इनमें नेहरू जी के समय से लेकर के शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, उसके बाद बीच में मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, इसके बाद फिर इंदिरा जी, राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, इसके बाद एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल साहब, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, और 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी, इन सब सरकारों के कार्यकाल में जो जो हुआ है जाहिर है उस पर भी चर्चा होगी। और इस बीच ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है जिसके लिए अलग अलग सरकारें बदनाम भी हुई हैं,
जहाँ उपलब्धियाँ हैं वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन पर उनको घेरा जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 5 दिवसीय विशेष संसद सत्र है, इसमें जो 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं और फिर लोकसभा का चुनाव भी अब दूर नहीं है, उसकी टोन सेट कर दी जाएगी? सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। सर, एक बात तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब ये स्पेशल सत्र बुलाया गया है 5 दिन का, तो निश्चित रूप से इसमें कोई रूटीन काम के लिए तो बुलाया नहीं गया, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपका मॉनसून सेशन के बाद आपका विंटर सेशन है और वो आराम से बाकी रूटीन काम वहां से हो सकते थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि साल के अंतिम समय आने तक हम नई संसद में शिफ्ट हो जाएंगे, तो अब एक ये औपचारिकता है कि पुरानी संसद से नई संसद में कैसे शिफ्ट हो। अब मिड कोर्स में अगर मान लीजिए विंटर सेशन होता और उसमें हम शिफ्ट होते, तो शिफ्टिंग में बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, लोगों की नेम प्लेट है, उनके बाकी तामझाम होंगे, कनेक्टिविटीज होंगी, दुनिया भर की चीजें होंगी, कोई भी आप घर शिफ्ट करते हैं तो बहुत कुछ शिफ्ट करना पड़ता है। तो सवाल इस बात का है कि इस पूरे प्रोसेस का उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य ये है कि पुराने संसद भवन से आप नए संसद भवन में मूव कर रहे हैं, तो ये 5 दिन का जो मेन एपिसोड है ये इस पे फोकस है। अब 5 दिन में आप क्या करना है, ऐसा तो नहीं है कि पुरानी संसद में चौकीदार को कहेंगे प्रधानमंत्री जी यार उसको ताला लगा और वो कमरा खोल दो, कुर्सी पे कपड़ा मारो, मजा के बैठेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि संसद जो है वो पिछले 75 साल के लोकतंत्र का हिंदुस्तान में जो भी हुआ है आजादी के बाद उसकी गवाह है, और इस गवाही को कहीं ना कहीं बहुत ही सम्मानजनक तरीके से डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि पहले दिन संसद में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो भी उस समय माइलस्टोन हम कह सकते हैं, जिसके जो संसद में कार्रवाइयां हुई होंगी, चाहे वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो, चीन की लड़ाई हो, इमरजेंसी का टाइम हो, एटॉमिक ब्लास्ट का टाइम हो, कुछ और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई होंगी, बहुत कुछ हुआ है संसद में, ये देश 75 साल में बहुत कुछ बदला है, तो बहुत कुछ संसद ने किया है, देखा है, कानून बदले हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसमें पूरी एक विवेचना की जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक किया जाएगा कि कैसा हमारा अनुभव रहा। और जहां तक बात है अनुभव की, तो ये बात तो मुझे लगता है कि हर आदमी मानेगा कि बीच में छोटी बड़ी उतार चढ़ाव वाली घटनाएं आती रही, लेकिन ओवरऑल संसद का योगदान भारत की तरक्की में उल्लेखनीय रहा है, तभी आज हम इस जगह पहुंचे। तो संसद के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को मेरे ख्याल से इसमें रेखांकित किया जाएगा। हो सकता है कि इसमें ज्वाइंट सेशन भी हो सकता है, मेरा असेसमेंट है, मैं कह नहीं सकता, हो सकता है कि शिफ्टिंग से पहले राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री जी पूरे संसद को संबोधित करें कि अभी हमने इस भवन में इतने साल गुजारे हैं, अब हम नए भवन में जाएंगे, और नए भवन में जाने का मतलब ये होता है गृह प्रवेश। तो गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो उस दिन जो हमारे यहाँ संस्कृति में कहा जाता है कि हर शुभ काम की शुरुआत गणेश जी से होती है, तो नए भवन का जो उद्घाटन है वो गणेश चतुर्थी को होगा, उससे पहले पुराने भवन का कामकाज होगा, तो 2-3 दिन तो इसमें निकल जाएंगे। और जिस दिन मेरे ख्याल से गणेश चतुर्थी का समारोह होगा, उस दिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बैठक होगी। उसके अगले दिन फिर एक पॉजिटिव नोट से बैठक शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि वो हंगामा करता है या सुचारू रूप से पूरे ट्रांजिशन का भागीदारी बनता है। तो 2-3 दिन तो सर इसमें निकल जाएंगे, अब बचे 2 दिन। अब उन 2 दिन में हो सकता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो नए संसद में, राष्ट्र की तरफ से कुछ हो, कोई जनरल बड़ी बातें हों कि देश के अगले 25 साल देश को किन चीजों में फोकस करना चाहिए, हो सकता है एक जनरल चर्चा हो संसद सदस्यों से, उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाएं कि नए संसद में बैठ के हम देश का नया भविष्य क्या बनाना चाहते हैं, कहां हमारा फोकस होना चाहिए, मुझे लगता है इस पे एक चर्चा हो सकती है।
मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई समय संसदीय मामलों के लिए या कोई बिल पेंडिंग है उनको पास कराने के लिए 5 दिन का सम्मेलन बुलाया गया है। ऐसा कोई इमरजेंसी बिल इस समय संसद में नहीं है कि जिसके बगैर देश नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, ये भी जरूर हो सकता है, जैसा कि मैंने अपने चैनल में वीडियो में बताया है, कि कुछ ऐसे नए निर्णय हैं जो भारत सरकार ले सकती है। उदाहरण के लिए चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसकी चर्चा की थी कि 15 सितंबर के बाद वो लागू होगा। अब लागू होगा तो उसका कोई संसदीय प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान है नहीं। हो सकता है कि संसद में ये बिल सरकार पास करे, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हो सकता है। इसी तरह से और कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो, सरकार उसको पास कराना चाहेगी, क्योंकि पहले बिल में मैं नहीं समझता कि सरकार इस मूड में होगी, मोदी सरकार की, वो कन्फ्रंटेशन ले अपोजिशन के साथ। तो जो आराम से बिल पास हो सकते हैं, जिनमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि एक बोनी करवाने वाली बात, कि चलो एक शुभ काम से बोनी हो गई नई भवन की, वो मेरे को लगता है कि वो होगा। और मैं कोई बहुत ज्यादा इस संसद कार्रवाई को लेके इतना एक्साइटेड नहीं हूं कि इसमें कौन कौन से बिल आएंगे, क्या नहीं आएंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। लेकिन ये 5 दिन का जो समय होगा, ये मेनली सेरेमोनियल होगा, और शायद सरकार ये चाहती है कि अच्छे माहौल के अंदर ये सारे काम हो जाए, और कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल ना वो बिल लेना चाहेंगे, ना वो उसको कोई चर्चा करना चाहेंगे। मेरा तो असेसमेंट ये है। बाकी अब अपोजिशन और सरकार के बीच में क्या समन्वय बनता है, अगर अपोजिशन कहता है नहीं जी, हम तो विविधान डालेंगे ही, जब तक आप इन 4 बातों को नहीं मानते, तो फिर कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है, और हो सकता है कि नया संसद भवन भी हंगामेदार मतलब कि शुरुआत को लेकर आगे बढ़े। तो ये देखने वाली बात है सर। लेकिन अगर मैं कॉमन सेंस अप्रोच करूं, अगर मैं एक लॉजिक की बात करूं, तो मुझे लगता है ये एक मेनली सेरिमोनियल 5 डेज हैं, और जिसमें पुरानी संसद में इतिहास पे चर्चा होगी, एक दिन ट्रांजिशन होगा, दूसरे दिन वहां पे हो सकता है राष्ट्रपति जी का भी भाषण हो नए भवन में, और उसके बाद भारत के भविष्य के लिए हमको क्या सोचना चाहिए, किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, शायद इस पे चर्चा हो। मैं अगर होता तो मैं इस तरह से रूपरेखा देखता। हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए कि पहले संसद में कोई काम नहीं हुआ, हो सकता है कि एक आधा बिल जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो, सरकार उसको पास करा दे, ताकि लगे कि चलो भाई, जैसे कहते ना, दुकान खुलती है तो बोनी बोनी हो गई, तो नई दुकान खुली है तो चलो बोनी हो गई, 2 बिल पास भी हो गए, अच्छी बात हो गई नॉन कॉन्ट्रोवर्सी रूप में। ये मुझे लगता है, इसके आगे मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। आप तो एक जो भारतीय की जो आम भावनाएं हैं, जो सद्भावनाएं हैं, और अगर मैं और एक शब्द का इस्तेमाल करूं, जो एक शरीफ आदमी का की सद्भावनाएं होती हैं, शुभकामनाएं होती हैं, वैसे बात कर रहे हैं। लेकिन इस देश में हमने देखा है, और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, हमने ये भी देखा है कि जो विरोधी दल हैं, खास तौर से कांग्रेस है, उसका कुल मिलाकर के रुख क्या रहा है। जब सेंट्रल विस्टा बन रहा था, जब नई पार्लियामेंट बन रही थी, तब भी किस किस तरह की बातें की गई, किस किस तरह के बहाने बनाए गए इसके रुकवाने के लिए, क्या क्या नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं दाखिल की गई, कई बहाने बनाए गए, इनमें पर्यावरण भी था, इनमें दूसरी चीज़ें भी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका। अब सेंट्रल विस्टा भी लगभग तैयार है, मैं तो एक मिनिस्ट्री में भी होके आया हूँ, भव्य बनी है, और नई पार्लियामेंट भी तैयार है। तो आप विपक्ष को क्या इतना शरीफ समझ रहे हैं कि नई पार्लियामेंट बनी है तो वो रातों रात बिल्कुल इतने मासूम हो जाएंगे, इतने शरीफ हो जाएंगे, इतने कोऑपरेटिव हो जाएंगे कि वो कुछ नहीं करेंगे? और उसके बाद क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
बिल्कुल एकदम शरीफों जैसा ही व्यवहार करेंगे विपक्ष के साथ। जो इमरजेंसी की चर्चा आपने भी की और मैंने भी शुरू में कहा कि ऐसा बहुत कुछ हुआ है इन 75 साल में जिसके बारे में चर्चा हो सकती है और एक टोन सेट कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में अगर इमरजेंसी या नेहरू के काल में भी कुछ हुआ, बाद में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिनकी गवाह भारतीय संसद बनी है, क्या वो चीजें सामने नहीं आएंगी, वो नहीं उठेंगी? सर मैंने वही कहा कि ये सब बातें पुराने संसद भवन में होंगी, तो जो भी वहां पे एक दूसरे की लेग पुलिंग होना है, जो भी करना है। लेकिन समस्या सर इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो उसमें चिंता इसलिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्ट्री है, वो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। अगर संसद में राष्ट्रपति भवन का प्रस्ताव, राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव या इमरजेंसी का प्रस्ताव पारित हुआ तो हुआ था। अब इसमें कोई कांग्रेस या बीजेपी कोई कुछ भी बोले, इतिहास थोड़ी बदल सकते हो सर। तो मुझे लगता है कि इतिहास के जो महत्वपूर्ण पल होंगे उनकी निश्चित रूप से चर्चा होगी। जो भी एक्रीमनी है, झगड़े हैं, पुरानी बातें हैं, वो आप पुराने भवन में करिए, कोई एतराज नहीं। आपने ये कहा कि क्या ऑपोजिशन इतना सीधा है, सर मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हर एक का अपना राजनीतिक मुद्दा देखने की बात होती है। लेकिन मैं एक संस्कार की बात कर रहा हूं। मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं ऑपोजिशन के कि जिंदगी में कहीं ना कहीं तो इंसान को संस्कारी होना चाहिए। अगर कोई कितना भी बड़ा गुंडा हो, लेकिन अगर घर में शादी होती है या मातम का माहौल होता है तो वहां के वो गुंडागर्दी नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, अगर उसके घर में उसकी बहन की शादी है, चाहे वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कुख्यात आतंकवादी भी होगा, गुंडा भी होगा, तो आके वो अपनी बहन की शादी में गोलियां नहीं चलाने वाला है मेहमान पे, ये तो आप मानते हो? नहीं नहीं, तो वो शरीफों के उनका तो कहना ये है कि गणेश चतुर्थी को ही क्यों प्रवेश कर रहे हैं, वो तो यहाँ तक तो भैया ऑब्जेक्शन करने लगे। नहीं बिल्कुल सही है, तो गणेश चतुर्थी के अलावा कब करें? क्राइस्ट के दिन करें, ईद के दिन करें, कब करें? भाई हिंदुस्तान की मान्यता है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक मानती है, हमारे यहाँ पे एक परंपरा है कि अच्छे शुरुआत हम गणेश जी से करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप किस दिन करना चाहेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर देश की आस्था है और उससे देश को अगर अच्छा लगता है तो प्रॉब्लम क्या है? जस्ट बिकॉज क्योंकि गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म से संबंधित है इसीलिए ऑब्जेक्शन करना है? अगर हम कह दें मान लीजिए कि हम ईद वाले दिन कर रहे हैं, तब भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि आप ईद वाले दिन क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि साहब सोमवार को कर रहे हैं, आप कहोगे साहब सोमवार तो शिव जी का दिन होता है, फिर कहोगे मंगलवार को कर रहे हैं जी वो और दिन होता है, फिर कहेंगे बुधवार को है जी कोई और दिन होता है, बृहस्पतिवार को है जी कोई, बोलेगा हनुमान जी का है, फिर बोलेगा शंकर जी का है। हमारे यहाँ तो रोज त्योहार है, तो हिंदुस्तान में आप कोई भी दिन उठा लो सर, उस दिन एक ना कोई सनातन त्योहार मिलेगा छोटा बड़ा, शायद अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे कुछ हो। तो अगर आपको मीन मेख ही निकालने हैं, बहानेबाजी करनी है, तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि आप एक ऑस्पिशियस डे, एक शुभ घड़ी देख के आप शुभ काम करते हैं, ये हमारी परंपरा है। और हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तानी परंपरा का निर्वाह हो रहा है तो जिन लोगों को एतराज है तो वो बोल देना कि साहब हम हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, हमें इसलिए प्रॉब्लम है, तो दिक्कत कहां है? क्योंकि अगर आप ईद को करोगे तो फिर साहब ईद क्यों, हिंदू त्योहार क्यों नहीं? फिर आप कहोगे जी क्रिश्चियन वाली कर लो, फिर मुस्लिम कहेगा जी हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो इस बात का कोई एंड नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है, वो जानती है कि गणेश जी का एक हमारे यहाँ सम्मान है कि कोई शुभ काम करने से पहले हम लोग गणेश चतुर्थी या गणेश भक्त अपना प्रार्थना करते हैं। तो अब ये जितने जाते हैं वीआईपी बन के सेमिनार कॉन्फ्रेंस में, दिया क्यों जलाते हैं? आज बता दें कि भाई आज के बाद हम किसी भी इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे। यहाँ पे वो जाके शॉल एक्सेप्ट करते हैं, फूल माला एक्सेप्ट करते हैं, कहीं पे नारियल एक्सेप्ट करते हैं, सारे करते हैं ना। जब भी अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे पूजाओं में जाते हैं, पंडालों में जाते हैं, तो ये सब करते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक ओछी राजनीति है, ये घटिया सोच का एक और एग्जाम्पल है, इसके आगे कुछ नहीं। आप सनातन की बात कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, और यही सरकार भी कर रही है। लेकिन सनातन धर्म को लेकर के किस किस तरह की टिप्पणियां हाल में हुई हैं,
ये भी हमारी और आपकी जानकारी में हैं, और एक से एक बढ़कर के टिप्पणियां की जा रही हैं, ना केवल स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने, बल्कि बाद में तो कई नेताओं ने और भी ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर दी। कोई सनातन को मलेरिया बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है, कोई कोष्ठ बता रहा है, क्या क्या नहीं कहा गया है सनातन के बारे में। सर, जिसके जैसे संस्कार वो वैसी बात करेगा ना। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात बहुत सिंपल है सर। हर एक की एक प्रवृत्ति होती है। अगर आज आप किसी सुअर को पानी के पास ले जाओगे, एक साफ पानी है, खराब पानी है, वो किधर जाएगा, वो आपको सोचना है। ये तो देखिए, कुछ चीजें होती हैं जेनेटिक होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं, कुछ आदमी का अपनी प्रवृत्ति होती है। तो जिसकी जैसी भावना वो वैसी बात करेगा। जो नास्तिक अपने आप को बोलता है, कहता है जी मैं नास्तिक हूं, स्टालिन साहब के बेटे ही बोलते हैं ना मैं नास्तिक हूं, तो उनको सनातन धर्म से क्या लेना देना। भाई जिस आदमी की जड़ें ही नहीं हो, नास्तिक कौन होता है, जिसका कोई संस्कार ही नहीं होता। तो जो असंस्कारी आदमी है उसकी क्या बात सुननी सर। मतलब जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसका इतिहास है, उसके संस्कार हैं, उसकी माँ मंदिर जाती है, जो आदमी इतना सेल्फिश हो जाता है, इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है राजनीति में कि उसने अपने आप को बेच दिया, एक हिसाब से अपनी जड़ों को काट दिया, तो वो तो कमोडिटी है ना सर बाजार में। जिसका अब एक टूटे हुए पत्ते का क्या आधार सर, वो तो उसका तो कोई जड़ है ही नहीं, उसका तो कोई लगाव है ही नहीं, ये तो सूखा हुआ उड़ता पत्ता है, जिधर की हवा आएगी उधर चल देंगे, तो जिधर की राजनीतिक हवा चलेगी उधर चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों पे बहस करने का क्या मतलब है। और जहां तक बात है सनातन की, मैंने इस पे 5 वीडियोस बनाए मेरे चैनल पे, और उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर सनातन नहीं होता तो आज हमारा संविधान नहीं होता, अगर सनातन नहीं होता तो ये लोग जो आज ऐसे उछल कूद करके बातें कर रहे हैं, सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं और आराम से इस देश में रह रहे हैं, इसका भी एक कारण है कि इस देश में सनातन है। आप हिंदू मेजोरिटी देश में रह के हिंदू धर्म के खिलाफ आप अपशब्द बोल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, आप किसी और देश में चले जाइए, वहां जो सबसे बड़ा तबका है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो मुस्लिम हो, आप वहां जाके उस धर्म की बुराई कर लीजिए और फिर मैं देखता हूं कितने फतवे जारी होते हैं आपके खिलाफ। तो कहने का मतलब यह है सर कि जो कहते हैं ना कि शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, और यही ताकत है सनातन की कि हमने सनातन धर्म में राक्षसों को भी जगह दी, उनको मारा नहीं, उनके विचार उन्होंने रखे, वो भी समाज में रहे, वो राक्षस वृत्ति के लोग समाज में रहे, उनको भी उनका हक, उनके भी राइट्स उनको दिए गए। तो वो पुराने जमाने के राक्षस थे, नए जमाने के राक्षस से फर्क इतना है सर। तो इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है, क्योंकि सनातन को इतना हल्का फुल्का धर्म थोड़ी है कि किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया या किसी ने एक कैरिकेचर बना दिया तो खतरा हो गया धर्म पे और जाके आपने उन पत्रकारों के ऊपर गोलियां चला दी, या आपने फतवा इशू कर दिया, या आपने लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया, या सर धन से जुदा हो जाएगा। इतना कमजोर सनातन थोड़ी है कि 2-4 फालतू लोगों के कहने से वो खतरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है सर। हमें अपनी क्षमता पता है, हमें अपनी जड़ें पता है, ऐसे छोटे मोटे पत्ते तो हिलते रहेंगे, उसके लिए कौन परेशान होगा। एक विजय जी, पुरानी पार्लियामेंट के बारे में एक ये परसेप्शन था, ये चर्चा थी कि उसमें वास्तु दोष रहा है, वो कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ बनाई गई कि कभी वहाँ शांति से उस तरीके से काम नहीं हुए कि देश जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाया। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नई पार्लियामेंट बनी है इसका एक अलग तरीके का वास्तु बनाया गया है। इस तरह की चर्चाओं पर क्या कहेंगे आप, क्या ऐसा सोचा गया होगा मोदी सरकार के द्वारा कि थोड़ा अलग डिजाइन बनाया जाए, कुछ अलग किया जाए, शायद नई पार्लियामेंट में कुछ बेहतर तालमेल हो जाए, शांति स्थापित हो जाए, जो उछल कूद ज़्यादा ही हो रही थी, मेजों पर चढ़ जाते थे, अब तो जो सभापति हैं और जो स्पीकर हैं उनके भी
अपमान होने लगे थे, उनके ऊपर फाड़ करके एजेंडे फेंके जाने लगे थे, कुछ ज्यादा ही अनुशासनहीनता और अराजकता देखने को मिल रही थी। सर देखिए, जहां तक बात है वास्तु की, मैं उसका कोई ज्ञानी नहीं हूं, तो मेरा स्टेटमेंट एक लेमेन जैसा ही होगा। देखिए सर, जहां तक बात है वास्तुशास्त्र की, निश्चित रूप से एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की चर्चा समाज में रहती है, और हर इंसान चाहता है कि जहाँ पे भी वो काम करे या जिस माहौल में रहे वहाँ पे उसके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो काम अच्छे होते हैं, एंथुजियाज्म ज़्यादा होता है, आउटपुट ज़्यादा आता है, बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। दूसरी तरफ अब पुरानी जो संसद अंग्रेजों ने बनवाई थी, उस समय मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों का कोई इंटरेस्ट था भारत में। ये तो कुल मिला के सर प्रक्रिया ये थी कि एक बैठने की जगह चाहिए। अब तो सवाल ये भी उठ रहा था कि इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, फिर पता लगा वहां पे मुरैना के पास पहाड़ी के ऊपर कोई इस तरह का मंदिर था जो बिल्कुल गोलाकार था, बिल्कुल संसद जैसा था, शायद उससे इंस्पिरेशन मिला, किसी और ने किसी और का स्टेटमेंट। तो इस समय ये बात चल रही थी, उस समय आपको एक संसद चाहिए थी जो देखने में अच्छी सी हो, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे या पुराने आर्किटेक्ट के टाइम पे हमेशा ये बात कही जाती थी कि जो वास्तुकला ऐसी हो कि वो आइकॉनिक हो। अब गोल बिल्डिंग संसद की दुनिया में कहीं नहीं, तो अगर आज आप गोल बिल्डिंग देखते हैं तो तुरंत सबको दिखता है ये भारत का मतलब कि पार्लियामेंट है। तो एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने के चक्कर में शायद इसको गोलाकार बनाया हो, और जो इसके बाकी इंस्पिरेशन है, आर्किटेक्ट है या वास्तुकला है, वो भारत के अलग अलग प्रदेशों से उसमें इन्वॉल्व की गई, और बहुत सिंपल बिल्डिंग है। आप भी गए हैं, मैं भी कई बार गया हूं, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें कारीगरी है नहीं, और ना अंग्रेजों को इंटरेस्ट था कि वहां पे भारत की सभ्यता का उजागर किया जाए या कुछ किया जाए। तो एक बेसिकली एक वर्किंग स्पेस है, वो सिंपल है, अंदर भी कोई बहुत ज्यादा कोई तामझाम नहीं है, एक्सेप्ट कि जो लोग पुराने नेता रहे इस देश के उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं फुल साइज, उसके अलावा मुझे तो नहीं लगता वहां पे और कुछ है। अब रही बात नई संसद की, निश्चित रूप से जैसा हमने कहा कि भाई मोदी साहब के दिमाग में कई चीजें होंगी, कई विचार होंगे, कई लोगों ने एक्सपर्ट्स इवन जो आर्किटेक्ट भी हायर किए होंगे उन्होंने भी अपने ज्ञान रखा होगा कि सर इस तरह की बिल्डिंग में ये चीजों का लोग ध्यान रखते हैं या ये परंपराएं रही हैं, इसमें से अगर आपको कुछ कहना है या नहीं कहना है। तो अगर आपके पास एक आदमी घर के लिए भी आता है, कहता जी देखो घर में वास्तु की बात होती है, घर में आपका घर पूर्व दिशा में होना चाहिए, दरवाजा इधर खुलना चाहिए, खिड़की उधर खुलनी चाहिए, या आपका आर्किटेक्ट खुद बता देता है कि ये चीजें सही मानी जाती हैं सर, और आप कहते हो ठीक है यार अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा कर दो, और नहीं हो सकता तो फिर देखो कि उसको कैसे और ब्यूटीफाई किया जाए जिससे ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। तो ये प्रक्रिया तो सर एक कंसल्टेशन की बिल्डिंग बनाने में एक दिन में तो होती नहीं, इस पे कंसल्टेशन में भी महीनों लगे होंगे, तो छोटी बड़ी हर बातों को इन्वॉल्व किया होगा, हर तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया होगा, और हो सकता है कि जो रिलीजियस लोग हैं, जो बाकी कस्टम्स के लोग हैं, कई आर्किटेक्ट को सीनियर लोगों को इन्वॉल्व किया होगा, वास्तुशिल्पियों को इन्वॉल्व किया, बहुत कुछ इन्वॉल्व हुआ होगा, क्योंकि राष्ट्र की संसद बन रही है, मजाक तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें सब बातों का ध्यान रख के जो नई संसद बनी है उसमें इस तरह की चर्चा का मुद्दा शायद ना निकल पाए, कोई और मुद्दे निकल सकते हैं, कोई और कारण हो सकता है कि इसको वास्तु के हिसाब से ही क्यों मनाया, सरकार अंधविश्वास में क्यों विश्वास करती है, इस तरह से भी आप आरोप लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं कि हाँ जी वास्तु के हिसाब से बना है तो आप उसको भी काउंटर कर सकते हैं, और अगर हमने वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया तो लोग ये भी कह सकते हैं क्यों नहीं बनाया, तो दोनों तरफ के पक्ष है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी है, सुंदर बिल्डिंग है, हमने देखा उसका उद्घाटन के समय में जो हुआ था। अब ये देखना है कि अंदर संसदीय प्रणाली कैसे चलती है। दूसरा आपने सवाल उठाया कि जो सभासद मतलब कि सभा के अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट, उनके सामने काफी कुछ गड़बड़ होती है। मुझे लगता है जिस तरह से एनक्लोजर बनाया और जिस हाइट पे स्पीकर को रखा है तो वो अब समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीकर है, स्पीकर के आगे फिर वो जो स्टाफ बैठता है, फिर उसके आगे वो है, तो ये सारी चीजों का लेआउट ऐसा बनाया गया है कि अगर आप वेल में आना भी चाहेंगे तो मुश्किल है, और वेल में अगर आ भी गए तो जो अध्यक्ष महोदय हैं उनका आसन इतना ऊंचा है कि आप उनके ऊपर कागज नहीं फेंक पाएंगे,
मुझे लगता है कि ये देखने वाला तरीका होगा कि नई दुनिया में नई टेक्नोलॉजी में हमारे सांसद किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, क्योंकि मोदी जी का तो मानना है कि ही इज अ टेक्नोलॉजी सेवी, तो उन्होंने तो अपनी तरफ से हर चीज टेक्निकली उनको दी होगी कि किसकी क्या सोच है और क्या वो हंगामा करते हैं या सलीके से चलता है, तो सामने दिखा देगा सर अगले हफ्ते तक। और आखिर में जो चार बिलों की बात हो रही है विजय जी, इनमें से तीन बिल की हम बात ना भी करें तो काम चल जाएगा, पर एक चौथा बिल है जिसको लेकर के विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी जो बिल पेश किया जा रहा है उसमें तो अब प्रधानमंत्री सरकार जिसे चाहेगी उसको नियुक्त कर लेगी, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री होंगे इस कमेटी में, एक नेता प्रतिपक्ष होंगे और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे वो होंगे। तो सवाल जो ये खड़े किए जाते हैं कि साहब सरकार की अब तो मनमर्जी चलेगी, सरकार जिसको चाहेगी उसको सीईसी बनाएगी और ईसी बनाएगी, 2014 से पहले सरकारों की मर्जी नहीं चलती थी क्या? या तो विपक्ष ये मान रहे हैं कि आज के बाद वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे, ये भी एक सोच हो सकती है कि अब तो हम तो हमेशा के लिए बाहर बैठने वाले हैं, तो हमारे को तो हमेशा वही करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा जो पीएम चाहेंगे, या तो जो हमारा ऑपोजिशन है वो इस बात को मान चुका है कि अब वो सत्ता में नहीं आने वाले। तो जो सवाल आपने कहा वो लागू वास्तव में होता है कि अगर प्रधानमंत्री, देखिए अल्टीमेटली यहाँ मोदी नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मोदी और प्रधानमंत्री के बीच में लोगों ने फर्क करना बंद कर दिया है। अगर आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है। मनमोहन सिंह जी थे तो किसी ने ऐतराज किया था क्या? उस समय प्रधानमंत्री ने जितने निर्णय लिए, अब कोई बोलेगा जी प्रधानमंत्री तो रबर स्टैम्प थे, एक्चुअली सारे आदमी सोनिया गांधी ने अपॉइंट किए थे, आप ये भी बोल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जब नवीन चंद्र साहब का अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए इलेक्शन कमिश्नर, तब क्या हाथ उठी थी? तब यही कहा गया था कि ये कांग्रेस के आदमी है, सोनिया गांधी से इनके बहुत पारिवारिक रिश्ते हैं वगैरह वगैरह, तब तो किसी ने प्रॉब्लम नहीं उठाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत सिंपल सी बात है सर, ऑपोजिशन के पास अनफॉर्चुनेटली एजेंडा नहीं है इसलिए वो पर्सनल अटैक करते हैं। और ये एक दुखद है कि अपोजिशन अपने आप को इतना गिरा लेता है कि वो मुद्दों की बात छोड़ के इंडिविजुअल्स पे अटैक करने लगता है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये कि कहीं ना कहीं अपोजिशन हताश है, डिमोरलाइज्ड है, उनको नहीं दिख रहा है कि 24 में उनके पास कोई उम्मीद है, इसीलिए वो ऐसा स्टेटमेंट कह रहे हैं। नहीं तो बहुत अच्छे खुश होते कि चलो मोदी को करने दो सारे काम, वो अपने हिसाब से करने दो, बाद में फायदा तो हमें ही उठाना है, ये भी हो सकता था ना। लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में शक है कि वो शायद 24 में नहीं आ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी इतना समय निकालने के लिए ओसीएन नेटवर्क के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद। वंदे मातरम।